તો આખરે આખો આ જે મામલો છે તેને લઈને મારી સાથે સંવાદદાતા અમિત રાજપૂત જોડાયા છે એડવોકેટ પ્રિતેશ શાહ કે જે આ કેસ સંભાળી રહ્યા છે અને આ સાથે રામાનુ સંપ્રદાયના વૈષ્ણવ સન્યાસી છે અમારી સાથે સ્વામીજી તેમની સાથે વાત કરીશું ને આખે આખો મામલો કે જે ઝી ચોવીસ કલાકે ગઈકાલે ઉજાગર કર્યો છે अलग-अलग अलग, -अलग, -अलग प्रकार जवाब आवी रहा आपने अभी तक जो जो बताया हमने सब दर्शकों को बताया सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी तक ये मामला कहां तक पहुंचा आपकी बेटी से आपको मिलवाया जाएगा या नहीं आश्रम वालों ने क्या जवाब दिया आश्रम वाले से इतना मैं कोशिश किया हूँ वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है वो लोग बोलते हैं ज़्यादा तुम लोग बात किया तो मेरे को बोलता है तुम इतना का बात किया तो तुम्हारा ऊपर केस डालूंगा तुम्हारा ऊपर एक्चुअली इतना मेरे को थ्रेटन कर रहा है बच्चों आपको ठीक से नहीं मिलेगा बाद में इनको मेरे को इतना गाली दिया कल डायरेक्टली आपके ऊपर रेप केस डालूंगा आपके ऊपर फिनेंशियल फ्रॉड केस डालूंगा डाल देगा करके बहुत और कोई कोई लोग मेरे के मेरे मेरे नेक्स्ट मी दे कम द वेरी स्लो वॉइस में मेरे को बहुत गाली दे रहा है गाली तो दे देगा तो वो जो चलता है बट दे आर टॉकिंग अबाउट थ्रेटनिंग माई लाइफ और स्पेशली माई किड्स लाइफ मेरे को वही चिंता है इतना थोड़ी आप, है। आप, भी, आप भी किसी कंपनी के सीईओ थे आपकी बेटी है बच्चे को माँ बाप से ना मिलवाया जाए वही में मेरे को एक ही कहने का एक ही ये सिंपल चीज है मैं तो आश्रम में दस पंद्रह दिन के अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आई वॉज इन आश्रम मैं स्वामी जी का वन ऑफ द सेक्रेटरी था वो मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट है इतना क्लोज से काम करके कुछ भी आई वॉज एक्चुअली मेरे को ये इतना लोएस्ट लेवल पे ट्रीटमेंट हो रहा है आई शुड नॉट मीट विथ माई डॉटर ऐसा हो सकता है क्या mm. मेरा लड़की से मैं मिलने तो लेके जाना तो अलग बात है मिलने के लिए थोड़ी एक महीना में वेट कर रहा हूँ दूसरा फर्स्ट डॉटर से मिल मिलके <coughs> वन एंड हो गया किधर है पता नहीं है ऐसा कैसा हो सकता है मैं नहीं नहीं तो चपरासी, कोई लेना देना नहीं है। मैं स्वामी जी का एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाला जो जगह पे बीइंग ए फादर मैं आंख छोड़ के बिलीव करके ये मेरा गुरु है ये मेरा हमारा फैमिली का गुरु है करके तीन डॉटर और एक लड़का को पूरा सरेंडर किया मैं लाइफ को सरेंडर किया सपोज मैं दुरात्मा वो मैं कुछ गड़बड़ किया, जो भी वो, फिर भी फिर डॉटर से मिलने के लिए कोई मना करेगा क्या हो सकता है क्या बिल्कुल एक कैसा मैं तो मेरे को मना किया मेरे को मना करने के पहले माता जी को अंदर भी नहीं छोड़ा है उनका जो मदर को अंदर भी नहीं ऐसा कभी भी सुना भी नहीं है अरे राजीव गांधी को ये हत्या ये हुआ है उनसे मिल रहा है उनको शादी हो रहा है तमिलनाडु में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं तो भगवान स्वामी नित्यानंद का सेक्रेटरी बीइंग ए सेक्रेटरी आई एम नॉट एबल टू मीट विद माय डॉटर ये किधर होगा बिल्कुल मैम आपने डेढ़ साल तक अपनी जो बड़ी बेटी है बाईस साल की उन, उन, उनसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की

मीन्स मैं, मैं जब भी पूछेगा इनको इतना एक्चुअली मैंने आई एम टेकिंग केयर यू डोंट इंटरफेयर करके मैं बोल बोल के बोल बोल के छुपा के रखा है mm. क्योंकि आई वॉज वर्किंग एज सेक्रेटरी लेवल तो लॉट ऑफ थिंग्स आई शेयर विथ माई वाइफ इसलिए मैं तो मैं मैं देख देखता हूँ मैं देख रहा हूँ डोंट वरी अबाउट दैट करके शी बिलीव मी मैं तो कंटिन्यूसली शी वॉज ट्रेवलिंग में फर्स्ट डॉटर सेकेंड डॉटर सडनली मेरे को आफ्टर सिक्स सेवन मंथ मेरे को मालूम हुआ शी इज नॉट कमिंग बैक नॉट रीचेबल कितना कितना कि सभी से पूछा है वो लोग बोलते हैं वेट करो वेट करो वापस नहीं आया बाद में मेरे को ट्रटनिंग आ रहा है तुम तुम्हारा फर्स्ट डॉटर के बारे में बात ही नहीं करना अठारह साल के ऊपर हो गया तो मेजर हो गया तुम्हारा डॉटर नहीं है ये थोड़ी मैं बच्चा पैदा करके इधर दे देगा बाद में अठारह साल तक मैं उधर सेवा करना है अठारह साल होने के बाद बाघर बेच देगा ऐसा बहुत आदमी को हुआ है इट इज नॉट आई एम द फर्स्ट फादर इसके पहले बहुत आदमी को हुआ है किसी इसी आश्रम, में। इतना, हाँ, इसी आश्रम में कोई भी इतना दूर नहीं आया मेरे को एक अभी इफ आई एम टेकिंग रिस्क देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आई एम टेकिंग रिस्क रखा तब आपको पहले से पता था कि ऐसा नहीं उस समय नहीं पता है बाद में मालूम बताया चला आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग आई एम टेकिंग ए रिस्क ऑफ टू डॉटर्स दे आर स्टिल देर फिर भी मैं इतना आदमी के साथ मैं कल गया हूं हमको भी अंदर नहीं छोड़ा आदमी लोग इतना पावरफुल पीपल स्टेट मंत्री का पावरफुल पीपल आया हुआ है एंड सेंट्रल पीपल भी आया हुआ है अंदर नहीं छोड़ा दो घंटे तक वेट करने के लिए दिया हुआ दे बिल्कुल ये तो जो, तो ये जो, हम वीडियो चला रहे हैं ना वो ब्लर करके आपकी बेटी का है वो बोल रहे हैं कि आ, वो अपनी मर्जी से वहां पे रह रही है अगर जबरदस्ती आप उनको ले जाएंगे तो ये उनकी मर्जी के खिलाफ होगा हाँ। तो आप क्या कहेंगे मैं सपोज इफ शी इज टॉकिंग लाइक दैट अठारह साल की उम्र की लड़की है किसने इतना दूर उनको पता कर सकता है कैन एनी एटीन ईयर ओल्ड डॉटर विल से हम माँ बाप से नहीं मिलेंगे माँ बाप से माँ बाप मेरे से मिलने के लिए आएगा तो हम नहीं आएंगे और दूसरा मेरे को बहुत फोर्सफुली आप लिख के मिलने के लिए कोशिश किया तो ऐसा ऐसा कानून के हिसाब से सेक्शन 100 सो ये लिख के लेटर भेज रहा है मैं कल पुलिस वाला बोल रहा है सर ही तो कोई अठारह साल के उम्र का लड़की बस आप माँ बाप लेटर बाहर आ रहे हैं खुद लड़की बाहर नहीं आ रही है ना नहीं लड़की तो बाहर नहीं आ रहा है लेटर आ रहा है ऐसा हाँ थोड़ी इतना हाँ। कोई सेक्शन अरे आजकल वकील को इतना सेक्शन नहीं मालूम है इनको सेक्शन का किसने दे रहा है इतना ट्रेनिंग माँ बाप से मिलने के शी सपोज टू देखिए शी सपोज टू मीट द पीपल इंग्लिश में एनरिचिंग बोलता है हिंदी हाँ। में आई डोंट नो दे सपोज टू मीट द पीपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए मिलना है उनको कन्विंस करना है बाद में उन लोगों से डोनेशन लेना है डोनेशन लेने के बाद एक सवाल मैम मैं, मैं आपसे करना चाहूंगी ये जो पूरा मामला है आप अपनी बच्चियों से मिलना चाहती है आपने क्या क्या रिक्वेस्ट की आपको कल जाने भी नहीं दिया आने वाले समय में आप क्या चाहेंगी आश्रम की ओर से क्योंकि इन, जिन इनका कहना है कि वहां जाने नहीं दिया जाता है पर आप तो जा ही सकती है फिर भी वहां पे जाने नहीं दे रहे अपनी बच्चियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी चा, शायद इसके जरिए वो आप कुछ बोल पाऊ उनको हाँ हाँ वेरी वेरी सिंपल मेरा बच्चे को मैं प्यार से मैं एक ही चीज बोल, बोलना चाह रहा हूँ आई नो यू आर अंडर द प्रेशर आई नो हाउ मच प्रेशर यू आर इन I know you wanted to meet me and you wanted to come and live with us. Mm. Just wait. Definitely, Ma Durga will not leave you like that. I am mm. telling you, Definitely, I am talking about our Prime Minister. I have lot of hopes and with my Prime Minister and mm. with the entire system, legal system, I have respect. Today, first time in my life, I little bit. I lost the hope in our Hindu spiritual practices which has been trained and given by Swami Nityanand. I lost the hope because he is the person who has for the past five years trained us, and he is the person who is creating the problem to me. I lost the hope on this particular ashram. I lost my family, everybody's lost that hope, mm -hmm. lost the faith on the entire ashram. दे आर गोइंग लेफ्ट राइट इन सेंटर उन लोगों का मेरे को इतना लोएस्ट लेवल पे मेरे को ऑलरेडी कमेंट्री देने के लिए शुरू किया है आई एम नॉटेड अबाउट दैट एक्चुअली आई एम टेकिंग ए वेरी बिग रिस्क नित्यानंदिता माई स्पिरिचुअल नेम गिवन बाय स्वामी नित्यानंद एंड आश्रम प्लीज नोट यू एंड योर सिस्टर डेफिनेटली विल रेस्क्यू एंड डोंट वरी अबाउट दैट जो भी आप बात करता है मेकअप डाल के आई नो हाउ You have been forced to do all this kind of makeup, all that I know. Firbi, don't worry. We will rescue you. કહેવાય છે કે માતા પિતા સૌથી સારી રીતે પોતાના દીકરાઓને દીકરીઓને ઓળખી શકતા હોય અને કદાચ આ પિતાએ જે રીતે પોતાની વેદના જે પોતાની દીકરીઓ સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો ઝી ચોવીસ કલાક તેનું માધ્યમ બન્યું છે એક માતા કે જયારે તમામ બાબતો સાંભળી રહી છે કે જે તેના દીકરી સુધી પહોંચે એ બંને દીકરીઓ એક જે જેને દોઢ વર્ષ સુધી નથી મળી શક્યા અને બીજી એક દીકરી છે કે જેના વિડીયો સતત બહાર આવી રહ્યા છે પરંતુ તે દીકરીને મળવા દેવામાં નથી આવતી આખરે આવો કયો નિયમ હોય કયા આશ્રમનો નિયમ હોય જ્યાં માતા પિતા અને બાળકોની વાત આવે છે ત્યાં કોઈ પણ એટલે કોઈ પણ વચ્ચે નથી આવતું અને તેમ છતાં પણ આ આશ્રમ છે કે જે જવાબ આપવા માટે તૈયાર નથી ઘણા બધા સવાલો ઉઠે છે પરંતુ આ સવાલોનો જવાબ માત્ર એક જ છે માતા પિતાનો વિશ્વાસ અને એ જ વિશ્વાસ સાથે આજે ઝી સ્ટુડિયોમાં તેઓ બેઠા છે અને તેમનો જે અવાજ છે એ દીકરીઓ સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે આ બંને તસવીરો અમે આપણે બતાવી રહ્યા છે જે અત્યારે સ્ટુડિયોમાં એ અમારી સાથે હાજર છે અને આ સાથે આ દીકરી છે કે જે પોતાનો વિડીયો બતાવીને તે તમામ બાબતો કહી રહી છે પરંતુ શું તેને કહેવડાવવામાં આવી રહી છે કે તે ખુદ કહી રહી છે આ તમામ સવાલોને અસમંજસ વચ્ચે માતા પિતા મીડિયાની સીડીઓ તો ચડ્યા છે પરંતુ આશા પણ એ જ છે કે તેમને ન્યાય પણ ચોક્કસ મળશે પોલીસ પણ તેમની સાથે છે ગઈકાલ રાતથી જે આ તમામ ઘટનાક્રમ ચાલતો આવ્યો છે અને આખે આખી જે પરિસ્થિતિ આપ જોઈ રહ્યા છો मैम uh, आपसे आपके मुंह से एक बार सुनना चाहेंगे आप अपनी बेटियों को क्या कहेंगे थोड़ा बहुत कुछ भी नंदिता वेर आर यू कम ऑट बोन लिम कम ऑट विधारे यू पीपल what are the things you told through my to video don't worry about that come out <laughs> they, are the, they are only cheaters not you come out first Nandita where are you come out I need you I am your mother come out believe us <laughs> they are cheating you where are you come out <laughs> माता पिता के बिक्री कर, कर रहे हैं सब कुछ छोड़ के आप नहीं है, कहना है अप, जहां भी है आपने जो केस संभा वकील परीतेश भाई यस यस श्योर श्योर मई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी including the, the government over the higher authorities and officials including ministers can is there so powerful than the governance than the government those people can they be yellow kya in government like entire India is looking for a best governance is actually Gujarat. In Gujarat can anybody behave like this? दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर जो नित्यानंद जी का ये जो गुरुकुल चल रहा है, फर्स्ट देर इज नो एनी अप्रूवल टू रन द गुरुकुल देर, विदाउट पेरेंट कंसर्ट दे मूव द किड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वॉन्टेड टू मीट द किड फॉर द पास्ट वन एंड हाफ मंथ वी आर नॉट एबल टू मीट एंड एंटायर गवर्नमेंट फोर्स 40, 50 Adhikaris and police everywhere were waiting from yesterday evening 7 o'clock onwards. They were not given the permission, they are not allowed to go inside. Do they have power to stop these people for four hours? Who are they? What is the power that they have? I don't know. I believe the system. I believe the Mo Modi ji ka sarkar. I believe this government, Gujarat government sarkar. Even now I'm believing. Okay, But yes. who are they that they, they are stopping it? आपने कल पुलिस के साथ आपने मिलने की भी कोशिश की. आपने क्या बताया? आप FIR की है आपने? मैंने तो पहले ही more than ten days back I give the complaint in the police station.

क्या बोल के अंदर कोई नहीं है बरोडा गया करके बट नो बड़ी गॉन टू बरोड़ा दे आर स्टेइंग इन द नेक्स्ट बिल्डिंग सो हम लोग सर्च नहीं किया बिकॉज दे बिलीव्ड आफ्टर सेवन थर्टी एट ओ क्लॉक देव

स्वामी जी मेरे को एक एक्चुअली इनवाइटेड मी टू जॉइन सम प्रोग्राम फॉर थ्री मंथ्स एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सो देन सिंस ही हैज कॉल्ड मी आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट ऑन हिम बिकॉज आई विल नॉट से इट इज माय वीकनेस वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंस फॉर मी इन माय लाइफ इज दैट हिंदू प्रैक्टिसेस हूवर इज डूइंग दे विल बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ Okay. And I have a lot of respect on Hinduism. the success mm. means I'm not talking about materialistic achievement. Mm. I have a lot of belief in Hinduism, in Hindu system. Mm. When sanyasi like Swamiji is calling me for a special training for three months, sab chodke, mm. morning 6.30 call aaya, mm. uh, with not even discussed with my wife, mm. I took a decision, I said I will be coming. Mm. And by 9.30, 10 o'clock I was there. Mm. देन इन द प्रोग्राम सपोज भी फॉर ओनली तीन महीने के लिए थे वो प्रोग्राम बट स्वामी जी मेरे को विद इन अ मंथ मेरे को बोला था यू आर गोइंग टू बी माई सेक्रेटरी सो आई लिफ्ट एवरीथिंग एंड देन आई ज्वाइंट without any expectation i continued my work i should not say work hmm. i want to do seva to swamiji hmm. from that day 2016 to 2017 everything was going well hmm. after 17 to 18 lot of turbulence started happening within the system hmm. within the system it is all any company like also will have like some other, this problem, okay. that problem, Swamiji is supposed to move out of the ashram due to various legal uh, issues. Hmm. So, Swamiji told that he will be going Narmada Parikrama and uh, Kashi Parikrama, all that. Parikrama means he will be travelling. Okay. Yes. Haan. After that period, after two years, hmm. problem started. Okay. There are actually inside there are two, three forces, out of which one strong force actually wanted to control entire ashram. That mm. and all I don't want to divert the subject. This mm. may because when Swamiji was there, Swamiji was controlling everything. We don't mm. know each other, what is the other problem is going on. When Swamiji was not there, mm. lot of thing came out. There was no any controlling person. The controlling person may, one and that lady... that time you met your daughter. Uh, then no, he never. Till okay. like, 2008, there was no any problem. I okay. am again telling. Ah. 18th In 2018, they were all going for some to, uh, world tour program. Okay. That time, my first daughter, second daughter traveled together. But when they came back. How only many my, people go to the. Like what? that, more than 20 people, they have gone worldwide, different, different okay. parts of the world. Okay. So after that, what happened? Only my second daughter came, first daughter has not come. Okay. मैंने तो पूछा क्या हुआ करके दे दैट 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 शी इज कंटिन्यूइंग व्हेन द टाइम लॉट ऑफ स्टार्टेड स्लोली एंड हमको बहुत चीज मालूम पता माय सेकंड डॉटर शिफ्टेड टू अहमदाबाद प्रोजेक्ट सो दिस काइंड ऑफ थिंग हाउ डिड यू नो डॉटर केम आउट केम टू अहमदाबाद फ्रॉम तमिलनाडु

मिलने के लिए मौका नहीं है बहुत कम है इवन इफ यू आर मीटिंग इन द नेम ऑफ फेथ ऑफ स्वामी जी वी विल से ओके हाउ आर यू ऑल मतलब ये पूरा मामला जो विश्वास पे टिका और बाद में आपको सब पता चला ये जो आ, पूरा का सिनारियो है वो तो समझ में आ गया આગળ આગળ વાત કરીશું કે આખરે આજે જે આખી આખી પરિસ્થિતિ છે અમે તેમના માતા પિતાએ આપને જણાવી આ માતા પિતા જે વી ચોવીસ કલાકના માધ્યમથી અપીલ પણ કરી ચૂક્યા છે કે તેમની દીકરીઓ જ્યાં પણ હોય તેમને સાંભળતી હોય તે જલ્દીથી જલ્દી પાછી આવી જાય પરંતુ આ સાથે સાથે સ્વામીજી પણ અમારી સાથે છે સામાજિક કાર્યકર પણ અમારી સાથે છે તેમની સાથે પણ વાત કરીશું સલાહ લઈશું કે આખરે આ કેસમાં આગળ શું થઈ શકે અને વકીલ કયા કયા પ્રકારની કાર્યવાહી આગળ કરી રહ્યા છે જોઈશું એક